सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। ये वीडियो सब उन गरीब लोगों के लिए है, वो गरीब लोग जो आयुष्मान भारत कार्ड की मदद से अपना इलाज करवाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। इस समय स्थिति ये बन चुकी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो है हॉस्पिटल्स इलाज नहीं कर रहे हैं। कारण ये है कि पेंडिंग पेमेंट्स अभी तक नहीं आई हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा जी और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह जी तक ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आयुष्मान भारत की हॉस्पिटल्स की पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो रिलीज कर दी जाएं, ताकि जितने भी लोग हैं गरीब लोग, उन लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिल सके। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है उन लोगों को जिन लोगों की डायलिसिस होती है, यानी कि जिनकी किडनी की प्रॉब्लम है। आज जम्मू के अंदर लगभग 70% मरीज जो हैं वो किडनी से परेशान है, उनकी किडनीज काम नहीं करती, जिस वजह से उनका होता है डायलिसिस। किसका, किसी का हफ्ते में 2 हो रहा है, किसी के हफ्ते में 3 हो रहे हैं, और वो डायलिसिस प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान कार्ड के अंदर फ्री होता है। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा, और उन सब लोगों को भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने अभी तक प्री डायलिसिस करवाया है आयुष्मान कार्ड के थ्रू। लेकिन अब ये आयुष्मान कार्ड की पेमेंट्स नहीं होने की वजह से ये कार्ड नहीं चल रहा है, जिससे लोगों को दिक्कत आ रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो आयुष्मान भारत का कार्ड का लाभ लेता है वो इस वीडियो को जरूर शेयर करे, ताकि सोशल मीडिया की ताकत से हम लोग प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचा सके कि लोगों को इस कार्ड की सुविधा मिले जो इस समय नहीं मिल रही। वैसे तो ये काम हमारे यहाँ पर जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होता है उनका होता है, उनको पता भी है, लेकिन शायद वो वहां तक बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आयुष्मान भारत के कार्ड का लाभ सभी गरीब लोगों को मिलना चाहिए। आज एक फोन भी आया, एक बेटी बेचारी काफी ज्यादा रो रही थी, और उनके घर पर आयुष्मान भारत की वजह से डायलिसिस होता था उनके ही पेशेंट का। गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे तक नहीं है। उनकी रिक्वेस्ट है, पहले तो उन्होंने धन्यवाद किया मोदी जी का कि उनकी वजह से ये फ्री में इलाज हो रहा है, लेकिन अब अगर ये इलाज बंद हुआ है तो उसके पीछे कारण ये है कि इस समय आयुष्मान भारत के कार्ड जो हैं जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहे। हॉस्पिटल जो हैं उन कार्ड्स की फैसिलिटीज नहीं दे पा रहा है। कारण ये है कि हॉस्पिटल्स में जो है अभी पेमेंट्स रिलीज नहीं हुई है आयुष्मान कार्ड की, उस वजह से आज आयुष्मान भारत के कार्ड जो हैं वो नहीं चल रहे हैं और लोगों को परेशानी आ रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी शेयर करें। ये हर गरीब आदमी के लिए, हर गरीब महिला के लिए बहुत जरूरी वीडियो है कि उनके आयुष्मान भारत के कार्ड हमारे जम्मू कश्मीर के सभी अस्पतालों में चले। हालांकि अभी हमारे यहाँ के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, उनकी माली हालत को देखते हुए अभी भी आयुष्मान कार्ड अपने हॉस्पिटल के खर्चे पर जो है चलवा रहे हैं। जैसे कि मैंने 2 केसेस आपको बताए थे केडी हॉस्पिटल के, वो अभी भी अपने खर्चे पर जो है लोगों के, मरीजों के इलाज कर रहे हैं। लेकिन कब तक, जब तक पेमेंट रिलीज नहीं होगी वो कहाँ से देंगे? तो मेरी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से, एलजी मनोज सिन्हा जी से, कि ये पेमेंट्स रिलीज की जाए और आयुष्मान भारत के जो कार्ड हैं वो लोगों के चलने शुरू हो जाएं, मरीज अपना डायलिसिस करवा पाए। ये बड़ा ही एक बर्निंग इशू है, इसके ऊपर बात करने की बहुत जरूरत है। हम लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे जब तक आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं चलते। आज कई सारे इश्यूज के ऊपर लोग बात करते हैं, कुछ रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उनके साथ भी मैं खड़ा हूं, लेकिन रिजर्वेशन से भी इंपॉर्टेंट है हमारा आयुष्मान भारत चले, ताकि गरीब लोग, मरीज लोग जो है ठीक हो सके, उनका इलाज हो सके। आज उनके इलाज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि आयुष्मान भारत के जो कार्ड हैं सभी हॉस्पिटल में एक्सेप्ट हों और उनकी पेमेंट्स रिलीज हो जाए। हॉस्पिटल का भी कसूर नहीं है, हॉस्पिटल्स के पास पेमेंट्स नहीं आई हैं, जिस वजह से हॉस्पिटल्स वो चीज़ नहीं कर पा रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये पेमेंट्स रिलीज हो और आयुष्मान भारत का कार्ड चल पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके शेयर करें, और गरीब लोगों के लिए प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों की ये दुविधा, ये इशू जल्द से जल्द एड्रेस हो जाए। धन्यवाद। राम राम। और
गरीब लोगों के जितने भी इश्यूज होंगे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम अपने मीडिया के माध्यम से जरूर बताएंगे। आज एक गरीब बच्चे की शादी के लिए भी मैं कहीं पे गया था गांव में, मैंने वीडियो जब से रिलीज की है बड़े सारे लोग मदद कर रहे हैं, कई फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, हमें इस बच्ची की शादी करवानी है, आप सबकी मदद की जरूरत है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी इससे पिछली वीडियो जरूर देख लें, एक बच्ची की शादी करवानी है, आपके सहयोग से वो हो पाएगा। सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद।